नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना की दूसरी लहर से ये देश एक तरफ त्राही त्राही कर रहा, तो वहीं इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना महामारी में भी जमाखोरी और भ्रष्टाचार करने में लगे हुए। हालात ये हो गए हैं कि मोदी सरकार एक तरफ जहां विदेशों से ऑक्सीजन मंगा रही जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, तो वहीं कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने में लगे, ये सोचकर कि जब वो बीमार पड़ेंगे तो यही सिलेंडर काम आएगा। अपनी बीमारी के लिए अभी से जुगाड़ करने वाले इन जमाखोरों को कवि कुमार विश्वास ने जबरदस्त लताड़ लगाते हुए कह दिया कि ऐसा है, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का भी इंतजाम कर लो। दरअसल कोरोना से जूझते देश में कई जगह से जमाखोरी की खबरें आ रही। यही वजह है कि आजकल खुद कोरोना मरीजों की सेवा में लगे कवि कुमार विश्वास का पारा हाई हो गया। उन्होंने अपना गुस्सा शब्दों में बयां करते हुए लिखा, वे घने समझदार लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में दबा कर बैठे, ये सोचकर कि बीमार पड़ेंगे तब सिलेंडर उनके काम आएगा। उन्हें निश्चित रूप से अपने कुकर्मों और ईश्वर के न्याय पर घनघोर भरोसा। इन नर पशुओं को सलाह है कि घर की छत पर अंतिम संस्कार की लकड़ियां और जमा कर लें, इंतजाम पूरा रखें। कुमार विश्वास के इस गुस्से भरे ट्वीट पर राहुल कुशवाहा नाम के यूजर ने एमपी के सतना की खबर शेयर की, जिसके मुताबिक पुलिस ने 650 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया और गोदाम सील कर दिया। जिस शख्स का ये गोदाम था वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर 25,500 रुपए में बेचता था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। ये कोई पहला मामला नहीं, देश में ऐसे कई लोग हैं जो आजकल आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। इस लिस्ट में जमाखोर के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पताल भी शामिल जो कोरोना के नाम पर लाखों का बिल बना रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो हाल ये है कि पॉपुलर हॉस्पिटल में जमकर मरीजों को लूटा जा रहा। एक शख्स ने बताया कि मरीज को भर्ती कराने से पहले उससे 50,000 रुपए जमा कराए गए, जिसमें उसने 20,000 रुपए जमा किए और 18,000 रुपए दवा के लिए दिए। इसके बावजूद अस्पताल वालों ने दोबारा 19,000 की दवा और 30,000 रुपए जांच के लिए मांगे। जब इस शख्स ने अपने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही तो अस्पताल की ओर से बोला गया कि पेमेंट जमा कर जा सकते। काउंटर पर जाने पर पता चला कि ये बिल 31,000 रुपए का था। पूछने पर अस्पताल वालों ने बताया कि 15,000 रुपए प्रतिदिन बेड चार्ज, आपको 2 दिन का जमा करना होगा और आखिरकार इस शख्स को पूरा पेमेंट देने के बाद ही मरीज को लेकर अस्पताल से जाने दिया गया। ये हाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के निजी अस्पतालों का। डीसीपी काशी ने इस मामले में बताया है कि प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर को जरूरी कार्रवाई के लिए कहा गया। अब देखिए ये कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इसी घटना से ये समझ लीजिए कि निजी अस्पतालों में आम आदमी को किस तरह से लूटा जा रहा है। यही सब देखकर कवि कुमार विश्वास को कहना पड़ गया कि जमाखोरों, अपने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का भी अभी से जुगाड़ कर लो। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।